दोस्तों डंकी के नए गाने पर करण जौहर ने बहुत बड़ा रिव्यू दे दिया। करण जौहर कहते हैं ये सॉन्ग काफी सुपरहिट बनेगा और इसने आते ही लेके प्रभु का नाम सॉन्ग का व्यूज में रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। उसी के साथ इसमें जो अरिजीत सिंह की आवाज ने और प्रीतम के म्यूजिक ने जो कमाल किया है वो काफी बढ़िया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें शाहरुख का लुक भी काफी अच्छे से डिजाइन किया गया है और इसमें मन्नू को और शाहरुख को बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है और दोनों की जोड़ी भी कमाल की नजर आ रही है। इस बार राजकुमार हिरानी सिंपल स्टोरी और इमोशनल स्टोरी पर काम करने वाले हैं जो कि ऑडियंस को काफी पसंद आएगी। और इसमें राजकुमार हिरानी काफी बड़े सरप्राइज देने वाले हैं जिसको देखकर पूरी इंडिया में तहलका मचने वाला है। राजकुमार हिरानी जैसा डायरेक्टर और शाहरुख खान जैसा सुपरस्टार अगर एक साथ आ रहे हैं इसका मतलब कुछ बड़ी चीज हमें देखने को मिलने वाली है। राजकुमार हिरानी हमेशा अपनी मूवीज में सोशल मैसेज भी देते हैं और इस बार हो सकता है कुछ बड़ा मैसेज हमें देखने को मिल सकता है। डंकी चार ऐसे दोस्तों की कहानी है जो कि भारत को छोड़कर विदेश जाना चाहते हैं और वहां पर जाने के लिए वो एक ऐसा रास्ता अपनाते हैं जो कि मुसीबतों से भरा पड़ा होता है और फिर लंदन पहुंचने के बाद भी वो मुसीबतें खत्म नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है। फिर जो होता है वो आपकी रूह को भी हिला देगा और वो चारों दोस्त दोबारा भारत वापस आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाते। फिर रेगिस्तान के रास्ते से इंडिया बॉर्डर में एंटर करने की कोशिश करते हैं तो उसे टेररिस्ट अटैक का सामना करना पड़ता है। मतलब कि राजू हिरानी ने जो स्टोरी क्रिएट की है वो आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी और इस बार डंकी इंडिया की नंबर 1 मूवी बन सकती है क्योंकि इसमें रोमांस और एक्शन तो उसी के साथ कॉमेडी भी भर भर के दिखाई गई है। और इस बार लग रहा है कि डंकी बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। शाहरुख बॉलीवुड के वो सुपरस्टार बन गए हैं जिन्होंने एक साल में 2 बड़ी ब्लॉकबस्टर देकर बॉलीवुड का डूबता हुआ सितारा बचाया और फिर अब बॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर राजकुमार हिरानी के साथ डंकी लेकर आ रहे हैं। पहले पठान, उसके बाद जवान और अब डंकी। मानो शाहरुख अब सुनामी बन चुके हैं और बॉक्स ऑफिस को पूरी तरीके से अस्त-व्यस्त करने आ रहे हैं। शाहरुख ने इस बार इंडस्ट्री में इतनी कमाई कर ली है जो कि सदियों तक कोई नहीं कर पाएगा और शाहरुख का रिकॉर्ड कोई भी तोड़ नहीं पाएगा। इस बार लग रहा है कि बॉक्स ऑफिस फटने वाला है क्योंकि शाहरुख ने जो धमाका किया है वो पूरी इंडस्ट्री को हिला देगा। दोस्तों क्या लगता है आपको डंकी कितनी कलेक्शन कर सकती है और क्या डंकी के सामने डायनोसर कुछ भी नहीं? कमेंट में लाजमी बताना। अगर आप शाहरुख के सच्चे फ्रेंड हो हमारे चैनल FFU को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको डंकी की सारी अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।